वेलकम एंड बैक माई न्यू वीडियो। आई होप सारे बढ़िया हो गए। मुझे पता है तुम लोग किस हवस में बैठे हुए थे। तुम्हें लगा था वेनेसडे को आएगी विलेज होम टूर वीडियो, मेरे को भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब जब मैंने विलेज होम टूर वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट की, मेरे घर की लाइट दुम दबा के भाग जाती है, जैसे मेरी वीडियो के व्यूअर। तो गाइस पक्का होली तक वीडियो आ जाएगी। अगर होली तक नहीं आई तो पैसा वापस मैं खुद रख लूंगा, क्योंकि भाई मेरे पैसे होंगे ना यार। तो आओ आज वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत मस्त वीडियो होने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के बारे में और उनमें जो शास्त्री हैं उनके बारे में। बागेश्वर धाम के इनके ऊपर बहुत सारी एक्सपोज वीडियो बन रही है, बहुत लोग इनके सपोर्ट में, बहुत नहीं भाई बहुत सारे, मतलब सभी लोग इनके सपोर्ट में हैं। साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी इल्यूजनिस्ट हैं, यानी कि वो जो भ्रम पैदा करते हैं, जो हाथ की सफाई आप कह सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और उनके बेटे जो है मनोज, वो माइंड रीडर हैं, यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है वो ये पढ़कर आपको बता सकते हैं। आप जो भी ये नाम सोच रहे हैं अपने जहन में ले आए और ये नाम बार बार बोले, सोचेंगे आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और गाइस ये सारी वीडियो से थोड़ी बहुत अलग होने वाली है और मैं इन सबको अपने दिमाग से देखने वाला हूँ। ये न्यूज चैनल वाले थोड़े बहुत पागल पागल है जो बुला रहे हैं, जो मेंटलिस्ट है इन सबको, जो मतलब एक बंदे का नाम ही निकाल में 5-6 मिनट ले रहे हैं। और एक जो हमारे शास्त्री जी हैं ये सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर उसका चिट्ठा, उसके खानदान का पूरा चिट्ठा खोल के रख दे रहे हैं, तो उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और ये उन्हें एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो भाई बड़े मंदबुद्धि हैं ये लोग। पर्चा बनाए हैं, पुनः एक बार देख लो कौन सा नंबर, 1 अब 2। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं, फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। हमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यह बता दूं, ये आश्चर्य आज से 4-5 साल पहले से इनके पास लोग आ रहे हैं। एक चैनल है धार्मिक, वहां पे 5 साल से मतलब इनका शो ये जो भी है ये आ रहा है। और गाइस अब आप लोग कहोगे कि इनको लोग अभी एक्सपोज क्यों कर रहे हैं, सर जी अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इस टाइम चल रहे ट्रेंडिंग में। अगर ये न्यूज में आ रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, तो न्यूज वालों की TRP बढ़ रही है और यूट्यूब पे वीडियो बन रही है, तो इनके व्यूज आ रहे हैं मोटे मोटे। आई होप इन जनरल वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, टेक केयर।